सो वेलकम बैक टू माई वीडियो फटे गेम। सो आज इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं फिर से एक और बार माइनक्राफ्ट। जी हाँ गाइस, और एक बार माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा एग्जाम चालू था। और आज इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक अपने लिए फार्म। आप कहोगे कि इधर तो बहुत सारे फार्म्स हैं तो मैं फार्म क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक अपना फार्म होना चाहिए। तो विलेजर्स की मेहनत है, हम लोग भी कुछ मेहनत करते हैं। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक छोटू सा फार्म एकदम हमारे घर के बाजू में। एक घर मतलब इतना अच्छा नहीं है। अभी हम लोग इसको भी बहुत ओपी बनाने वाले हैं। हम लोग इधर इधर की हाँ पीछे हमारे खुद का फार्म बनाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो फिर से स्टार्ट, मतलब फिर से आप सब लोगों का वेलकम है मेरी इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले मैं कुछ मटेरियल हमको जो चाहिए वो सब कुछ लाते हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं वुड तोड़ के लाऊंगा। इनका ही वुड तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, इनका ही वुड तोड़ लेते हैं विलेजर्स का। और विलेजर्स के सीड भी हम लोग सब कुछ लेने वाले हैं। लेकिन हमारा एकदम मस्त दिखने वाला फार्म बनाएंगे। इनका कैसे एकदम ओपन में, लेकिन हम लोग तो अभी ओपन में होगा, लेकिन अच्छा दिखेगा हमारा फार्म इनसे तो कदे ही बेटर। तो पहले हम वुड तोड़ लेते हैं बहुत सारी। वुड की भी ज़रूरत लगेगी, फेंस भी बनानी है हमें, और बहुत वुड लगने वाली है। तो इनके घर के वुड तोड़ लेते हैं और घासें तोड़ेंगे। आ गई ना, हाँ तो हमको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो वुड चाहिए होगी। कितनी चाहिए, हाँ गाइस कम से कम तो अगर हमको 30 से 30 वुड भी आ गए ना काम चल जाएगा अपना। क्योंकि 15 का हम स्टिक्स बनाएंगे और 15 के फैंस, और भी कुछ हमको बनाना है जैसे कि स्टेयर्स, उसको अच्छा लुक देने के लिए घर को, मतलब घर के लिए नहीं है वो फार्म हम लोग बना रहे हैं ना, उसको हम लोग एक चीज़ बनाने वाले हैं मैं उसके अंदर, तो वो आपको अभी दिखाऊंगा। पहले हम सारी वुड तोड़ लेते हैं और ये टूट गया, ये फाइन है। बस काफ़ी वुड हो चुकी है बनाने के लिए। अबे यार शिट, रात हो रही है गाइस। तो आपको मैं उससे पहले बता देता हूँ, हम एक इसका फार्म बनाने वाले हैं। सॉरी गाइस सॉरी। तो हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ हम लोग किसके फार्म बनाने वाले हैं। हम लोग बनाएंगे एक तो वीट का फार्म और कुछ बीट रूट या फिर पोटैटो का, उन दोनों में से हम देखते हैं अभी क्या बनाने वाले हैं। गाइस सोते हैं पहले, बेड है ना। शी यार बेड तक नहीं, इतना गरीब हूँ गाइस, मैं घर बना रहा हूँ, बेड नहीं है मेरे पास, घर बना रहा हूँ, क्या ही भाई। तो एक इनमें से एक के घर में जाके सोते हैं आज के लिए। भाई अंदर आन दो, हाँ सो जाते हैं हम। और फिर नेक्स्ट डे जो कि हो चुका है, फाइनली हमारा भी काम तो शुरू कर देंगे। और हमें कुछ कोबल स्टोन भी चाहिए, एक्स सॉन्ग है ले लेता हूँ पिक एक्स। और देखो सुबह हो रही है, अबे क्या ताड़ ताड़ के देख रही है, मैं भगा दूंगा ये ले भगले, मेरे को ताड़ ताड़ के देख रही है। एक घंटी एक बार बचा लेता हूँ वो भाई, भगलो भगलो ए भगलो रे, हक कैसे भाग रहा है, ओलंपिक से भागेगा ना जीत जाएगा ये। वो भाई इधर काउस का भी फार्म है, और पानी पीने के लिए बनाया है इधर, अच्छा आएगा ये भी। तो हम लोग उस माउंटेन से वुड तोड़ के, मतलब कॉबल स्टोन तोड़ के लाते हैं, इनसे नहीं लेते जान दो, कुछ हम लोग भी करेंगे। इधर ग्लावर भी क्या ग्रेवल भी है जो हमको भी काम आने वाला है। गिरा क्या कुछ नहीं, मतलब गिरा है ग्रेवल, हमारे घर बनाने में काम आएगा। मैं एक घर बना रहा हूँ, अब बनाऊँगा ना जब मेरा हम बनाया है, लेकिन इससे भी अच्छा। और उधर कुछ तो दिखा मेरे को, नेदर पोर्टल जैसा रुइंड पोर्टल है कि उधर नहीं तो दिखा। अबे ये मशरूम आइलैंड तो नहीं है ना, ये लग तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एडवेंचर पे जाएंगे हम। तो इसमें सब कुछ तोड़ देता हूँ, फास्ट तोड़ रहे हो अपने पिकैक्स में।
टॉर्च ही रहेगा अपने पास, टॉर्च देखना पड़ेगा, टॉर्च ही नहीं है जान दो। जैसे ये तोड़ देता हूँ, ये भी हमको कम से कम थोड़े से तो ज़्यादा तो चाहिए, लेकिन इतने पेड़ टॉर्च आ गई यहाँ से तो 20-30 तोड़ के ले जाते, ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा है लेकिन फिर इनको एक स्टैक तो कम से कम लेते हैं, कि हमको डेकोरेशन क्यों भी लगाना है ना, रास्ता वो सब मस्त बनाने वाले आश्रम फार्म। मैं जल्दी से गाइस आपको मिलता हूँ कोबलस्टोन तोड़ने के बाद। सो गाइस फाइनली मैंने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है स्टोन, बहुत काफ़ी हो गया होगा शायद से, इतना आपको दिखाता हूँ। हाँ एक स्टैक और 12 बहुत हो गया इसने तो, बहुत है। तो हम जल्दी से चलते हैं, मेरी पिकैक्स टूटने तक मैं खोद रहा था, हो चुका है। हमको ऐसे स्किप्टेड वुड लॉग्स भी चाहिए, हम इनसे तोड़ के ले लेंगे। अरे एक काम करता हूँ, अभी तोड़ के ले लेता हूँ, तो बाद में सारा मटेरियल अभी कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। सारे के सारे मैं तोड़ देता हूँ अभी इसको, कुछ नहीं इनका घर हम रहने ही नहीं देंगे इन्हें, घर ये लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है ये लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है भाई, हमारे घर है। ऐसा अगर असल में होता ना तोड़ रहे भाई, लोग हमको कब से मार मार के भगा देते। अब थोड़ा लैग हो रहा है ये, तो जाने दो। इन वुड्स प्लैंक को भी स्क्रिप्टेड कर देते हम, इसको भी निकाल लेता हूँ। और है क्या वही ऊपर नहीं है, 19 बहुत कम है भाई, इतने नहीं चाहिए हमको, थोड़े से 20-20 बस हुए गए, क्योंकि हमको ज़्यादा भी इनका यूज़ नहीं होता, बस डेकोरेशन में होता है, डेकोरेशन ज़्यादा भी नहीं करने वाले। मैं इनकी टॉर्च तोड़ कर ले जाता हूँ भाई लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना गरीब कौन आ गया टॉर्च उठा उठा के ले जा रहा है। और मेरी टच्ची नहीं बनाई मैंने शायद से अभी तक, मैं सारा सामान मैं टच्ची में रख देता, टच्ची माने चेस्ट। और ये हो गया भाई, मैं डर गया, सच्ची बोलूँ मैं डर गया भाई, ये कौन है भाई, ये कौन है सांड, अबे वो सांड मुंह देखो भाई इसका, भाई ये तो नॉविस है यार, बेकार। लेकिन ये क्या पीछे, अबे क्या कपड़े सुखा रहा है क्या, नहीं क्या पता कपड़े सुखा रहा होगा, क्योंकि मैं डर गया सच्ची बोला, पिलेजर कहाँ से आ गया, पहले मैं डर लगा मेरे को, मैंने बोला पिलेजर तो ऐसे नहीं दिखते, ये देखा तो ये तो ये लंगूर निकला, अंगूर खा रहा था छुप छुप के, बोला था मैं तो ना किसी को नहीं दूंगा। और ग्लिच बहुत हो रहा है यार, जानने दो थोड़ा सा होगा। चले रेमी से टॉर्च भी आ गई, और पहले मैं एक काम करता हूँ, इधर मेरे को एक वीट का फार्म आसपास दिखा था, हाँ वो रहा वो भाई, इधर तो फार्म ही फार्म है, इधर तो मैंने दिखा ही नहीं। तो जैसे इन सारे फार्म का जितना भी आता है ना सब कुछ तोड़ के ले जाऊँगा, और फिर इनसे जो भी होगा ना उतना, अब इन पूरे में से तो बहुत सब कुछ मिल जाएगा, और हम वैसे फ़िलहाल तो बड़ा ही बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि लंगूर जैसा बना दिया, अच्छा बनाएंगे, बीटरूट हम ज़्यादा नहीं उगाएंगे, हम उसको और भी अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी अगली वीडियो में नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो अगर आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैं भी सब कुछ अपग्रेड करने वाला हूँ मेरा। और फिलहाल मैं तो स्टार्टिंग के लिए खाना के लिए, और खाने की खाना चाहिए ना, उसके लिए मैं ये सब कुछ बना रहा हूँ, वरना अभी तक भाई मैं बताएं मैं अभी तक बहुत कुछ बना लेता, जैसे कि फार्म सब कुछ बना लेता अभी, लेकिन सोचा कि थोड़ा लंबी स्टोरी बनाई जाए इसको, इसलिए तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक शॉवल लगेगी, शॉवल नहीं है क्या, प्लैंक से ना सब कुछ बना लेते हैं, एक टच्ची टच्ची, अरे फर्नेस के ऊपर बना दिया, या टच्ची कुछ स्टिक्स हमें चाहिए, पड़े हैं प्लैंक्स, इन लोग बना दिया। और ये हो गए स्टिक्स, बहुत कितने मेरे पास अभी फिलहाल 64 भाई बहुत हो गई, जल्दी से मैं
चार फैंस बन रहे हैं। अच्छा हाँ मेरे पास ये तो है नहीं ना भाई। देखो कुत्ता लूट रहा है भाई, इधर देखो बस एक ओक प्लैंक बनाने के लिए इतना। तो मैं जल्दी से ये चाहिए मेरे को पहले। हो गए हो गए हो गए, ज़्यादा चाहिए क्या? इतना देखो 64 तो कम से कम चाहिए। 64 नहीं होंगे ना कुछ नहीं होगा, और बनाने पड़ेंगे। अरे यार स्क्रिप्टेड, जाने दो इसको, अब यूज़ नहीं करने वाले। हाँ इतने काफ़ी हो गए शायद से, 23। लेकिन मेरे को लग रहा है तो और बना लेते हैं, लग रहा है कि कम पड़ने वाले ऐसा लग रहा है। तो और बस थोड़े से ही बनाएंगे हम, 38 अभी तो बस लग रहा है। अभी हमको क्या, यार स्टेयर्स भी क्राफ्ट करके ले आनी यार। इसको एक काम करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल है ना इसके बाहर लेके चलता हूँ, बाहर ही सब कुछ करेंगे। और ये घर अपना देखो कितना खाली है, इतना खाली लग रहा है। ऐसे एक घर में तो हम कुछ लग ही नहीं रहे, क्या घर के नाम से भी ये क्या बनाया भाई मैंने, क्या भाई इतना नूबाई नूब तक, इतना नूब तो मेरे डर से अच्छा हाउस बना सकता है। ये मेरा गद्दा हाउस है ना, इससे भी कितना अच्छा एक नूबड़ा बना सकता है, वो भी डर्ट से। मैंने इतना भद्दा हाउस बनाया ना भाई भाई। तो इतना एरिया काफ़ी हो गया हमारे फार्म के लिए। तो क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं, तेरा क्राफ्टिंग टेबल इसको साइड में रख देते हैं कॉर्नर में। अब इससे हमको पहले क्या बनाना है चलो सोचते हैं, सोचने की क्या बात है। हमको पहले कुछ प्लैंक्स चाहिए। अब प्लैंक्स स्टेयर्स की रेसिपी क्या थी? हाँ ये स्टेयर्स पूरे बना लेते हैं, स्टेयर्स इतने भी नहीं लगने वाले लेकिन फिर बना ही लेते हैं सारी की सारी बना लेते हैं ये वाली। शिट गाइस मेरा हेडफोन निकल गया, मैं हेडफोन आपको लगा करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं उठ चुका हूँ, मतलब असल में नहीं, मैं सोया था पिछली रात को और ये उठ चुका हूँ। मैं क्या करने गया था मैं भूल गया, मैंने स्टॉप क्यों किया था वीडियो। तो ये रहा, अभी क्राफ्टिंग करना है ना हमें। हाँ तो जल्दी से मैं शॉवल बना लेता हूँ, थोड़ी स्टिक्स लगेगी पहले शॉवल। मैं इसको डिज़ाइन देने के लिए बनाऊँगा एकदम यहाँ से भाई, लग जा। हाँ इसको मैं ऐसे 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 ले आऊँगा इधर तक, इस रास्ते को लगना चाहिए भाई, सही फार्म बनाया है। तो इसको हम ऐसे लेके आएंगे और ये रहा अपना फार्म का एरिया, इसमें हम फार्म बनाने वाले हैं ये इधर। अरे यार गंदा नहीं करना है। तो पहले हम इस साइड एक वीट फार्म बनाएंगे, हो गया। और फिर हम सामने इधर कितने ब्लॉक्स लगाया हुआ मैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स ना, उधर 2 3 और ये 4 हो गया, बराबर है ना। एक ब्लॉक शायद से ज़्यादा है कि 1 2 ऐसे कहीं था, 1 2 3 4 बराबर है। इधर भी 4 ब्लॉक्स हम जाते हैं यहाँ से और यहाँ से 1 2। अरे यार यहाँ पे घर आ रहा है, गंदा लगेगा तो उजाड़ देते हैं इस घर को हम। कोई क्या करे यार, घर भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से काट देता हूँ फिलहाल तो घर को। मैं अगली वीडियो में पक्का अच्छा सा घर बनाता हूँ। अब मैं घर के पीछे की वॉल तोड़कर और जोड़कर आपको मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने थोड़ा सा तो इधर से इस घर को उजाड़ दिया है, मतलब ज़्यादा नहीं उजाड़ा, थोड़ा सा इसको उजाड़ दिया है। और ये यहाँ से मैंने इधर से छोड़ दिया है क्योंकि हमको ज़्यादा दूर नहीं ले जाना एरिया। कुछ लोग काम स्टार्ट करते हैं और बस हो ही गया। अरे यार गलत जगह पर लगेगा ना यार, गंदा दिखता है तो थोड़ा डर्ट लगेगा। हाँ तोड़ के लेके आ जाओ, क्या काम करना पड़ रहा है, डर्ट लेने जाना पड़ रहा है। तो जल्दी से मैं ये डर्ट लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ गंदा ना दिखे। और इधर भी तो मैं इसको तोड़ता हूँ और इधर ऐसे लगा लेता हूँ, हो गया। अभी गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं,
अभी मैं तो पहले इधर जो है मैं दो ही फार्म बनाऊंगा। इधर जो है मैं एक वेल बनाऊंगा, वेल का मतलब पता है ना, कुआं। कुआं इधर मैं कुआं बनाऊंगा। मेरे को थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? नहीं गड़बड़ तो नहीं लग रही, वो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी तो जाने दो, गड़बड़ नहीं लग रही है। तो मैं इधर क्या बना लाऊँ, सिंपली इधर कुआं बनाऊंगा, इसमें कुआं इधर बनाऊंगा। और फिर इधर एक वीट का फार्म, बस कौन सी सीड से पहले देखना पड़ेगा। कैरेट्स, हाँ कैरेट्स इधर मैं उगाऊंगा, कैरेट्स इस जगह पर, और इस जगह पर मैं उगाऊंगा वीट। ठीक है गाइस, लो गाइस शुरू करते हैं अपना फार्म बनाना। तो पहले मैं एक वेल बना लेता हूँ उसे। हाँ मेरे पास आयरन ही नहीं है उस वेल में। हाँ उस वेल में हम पानी बाद में भर देंगे, लेकिन फ़िलहाल वेल बनाते हैं। बस आयरन रिसोर्सेस नहीं है ना, मैं भाई माइनिंग के भी जाना है मेरे को, लेकिन अभी तक फ़िलहाल में रिसोर्सेस नहीं है मेरे पास। चलिए तो इसे मैं एक वेल ओपी सा बना देता हूँ। गलत ब्लॉक रख रहा है यार पिकैक्स, भाई क्या नूबड़ा हो मैं। मैंने वुड की पिकैक्स की यार, मेरे पास सस्ते बंदा होगा इसमें एकदम। इसको वो देता हूँ, इसको उजाड़ दिया। इस पर लगता है क्या? हाँ लगता है, मेरे को लगा नहीं लगता। मैं इसको ऐसे ऐसे 2x2 का बनाने वाला हूँ मैं वेल, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हो चुका है अपना वेल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लग रहा है ना गाइस, इसी का बेस ही कंप्लीट हुआ है। तो इसका मेरे को पहले ये लगाना पड़ेगा दो, इसके लिए नई फेंस लाया था मैं, और भी मेरे पास काम था उसके लिए मैं लाया था फेंस। अब चलिए से हम इधर एक और, अरे क्या हो रहा है, अरे गिर क्यों गया मैं। और इसको मैं इधर एक लगा देता हूँ, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। तो पहले हमें सिंपली क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेयर्स, इसलिए मैं स्टेयर्स लेके आया था ताकि थोड़ा लुक में अच्छा दिखे। इसको वैसे से अरे लग जा भाई, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा यार, ना बहुत नखरे होते हैं यार इनके भी, लगता ही नहीं अभी तो लग जा। अरे यार उल्टा प्लस से गाइस मेरे को ठीक से खेलने नहीं आता, जो प्लस है ना उसे ठीक से खेलने नहीं आता, लेकिन फिर भी खेलता हूँ मैं क्योंकि अच्छा होता है। प्लस से खेलने में ईजी आता है मेरे को, मतलब ओ से सर्कल से खेलने में ईजी होता है, फिर मेरे को प्लस से भी सीखना है। तो ये कुछ ऐसा मैं लगाने वाला हूँ, तो हर एक कॉर्नर पर इन्हें पूरा पूरा मैं कुछ ऐसा लगाने वाला हूँ। वो चलो स्टार्ट करते हैं, ये भी तोड़ देता हूँ। तो गाइस मैं ऐसे सारे में बना के आपको मिलता हूँ, तो तब तक के लिए थोड़ी देर रुको। सो गाइस मेरा काम चालू था और मेरे को इधर ये सेठ जी दिख गए, कुआ बनाने पानी पीने आ गए, तो जाने देते इसे भगवान के घर, जाने देते इसे अभी। ए भगले भगले ना जल्दी भाई यार, ऐसे ही लोग दिमाग ख़राब करने आते हैं। मैं सही से मेरा काम शुरू ही करने वाला था, बीच बीच में डर 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 कर रहा था। सो गाइस इसको करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस लास्ट नाइट मैंने सब कुछ कर दिया था, ये देखो ये मैंने वेल बनाया था, ये किधर गलती से लग गया मेरे से। भाई मैंने लास्ट नाइट ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था और सो गया था, तो असल में नहीं माइनक्राफ्ट में सो गया था। और ये रहा अपना वेल, भाई अभी तक वेल ही बना है बस, और ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं बनाना, अभी तक इसमें पानी नहीं है लेकिन अच्छा बना है कि नहीं ज़रूर बनाना। तो भाई अभी फार्म पे काम करते हैं, तो फार्म के लिए पहले तो मेरे को वुड लगेगी जो मेरे पास कदे ही नहीं है, तो अभी पूरा फार्म मेरे को कट करना पड़ने वाला है। और मैं सब कुछ स्क्रिप्टेड करने वाला हूँ यार, स्क्रिप्टेड नहीं तो स्क्रिप्ट करके इसको मैं डाल करने वाला। अब यार इसको अभी भी टूटना था, जल्दी से और एक बना लेता हूँ मैं, खाने की बहुत कमी है यार मेरे पास, तो मैं जल्दी से ये ले लेता हूँ। कोल तो फिलहाल नहीं है अपने पास, और इसको मैं डाल देता हूँ पकने के लिए। अभी मेरे को क्या एग्स बनाना है, तो जल्दी से मैं एग्स बनाता हूँ। पहले मेरे को हाँ एग्स हो गया,
मैं वुड तोड़ता हूँ अभी। चलो वुड तोड़ते हैं। अरे मैं ये मेरे को बर्च का बना था, मेरे को मैंने मतलब ये क्या क्या कहते हैं भाई उसे, मैं भूल ही गया। हाँ भूल गया भाई कि मेरे को ये स्क्रिप्टेड इसके भी चाहिए। मतलब मैंने लिए थे स्क्रिप्टेड, लेकिन वो हुए मतलब मैंने इसमें यूज़ कर डाले सब कुछ प्लैंक्स बनाने में। वो तो भी हो रहा है, बहुत लैग कर रहा है इस गेम मेरा। जैन तो थोड़ा अभी करने ही वाला है, मैंने बहुत सारा इसमें डाउनलोड किया है, शेडर सब कुछ डाउनलोड किया है, इसे थोड़ा लैग भी कर रहा है। तो थोड़ा सा करेगा तो कुछ नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और गाइस एक स्केलेटन मुझे मार रहा है, इसका कत्ल करके आता है। चलो गाइस जय माता जी, खत्म गाइस प्रो बोलते गली से। मैं इधर इसको तोड़ देता हूँ पेड़ को, बस आपको बोर होगा इसलिए मैं आपको सब कुछ तोड़ने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस मेरे से गलती से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मेरे पास तो आयरन है ही नहीं गाइस, मैं कहाँ से लाऊंगा पानी। बकेट भी तो बनानी हो गया, मैं कहाँ से लाऊंगा पानी। तो ये तो लॉल हो गया गाइस मेरा ही। गाइस देखते अभी भी फार्म तो बनाने का भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए गाइस उसके लिए वाटर। वाटर हमारे पास नहीं है, वाटर आएगा बकेट से, मतलब आयरन में आयरन चाहिएगा। चलो गाइस अभी आयरन तो खोदना ही पड़ने वाला है। ओ भाई ये क्या कॉपर है, इसको बाद में सब कुछ ले लेंगे। और मेरे को भूख भी लगी है इसमें, गेम में भूख लगी है। देखो एकदम सैड सीन है और एकदम वही चल रहा है बारिश। तो अभी आयरन तो हम लोग नहीं ढूंढेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं डर गया सच्ची गाइस, मैं डर गया, मेरे को लगा कौन भाग के आ रहा है। तो इस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज की उसमें बस इतना ही हम लोग करने वाले हैं। हमारा लॉल हो गया गाइस इस वीडियो में, हमारे पास यही नहीं था गाइस आयरन, आयरन से हम लोग बकेट बना सकेंगे, इसलिए आयरन नहीं था गाइस अपने पास। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करना, तो शेयर करना और मेरे चैनल फटाक गेम राव को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय।